विल स्टार्ट विथ अगेन विथ मैटिंग मटेरियल्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर चालू किया था। इफ यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर विच चैप्टर वी स्टार्टेड ऑफ विथ? मैटिंग मटेरियल्स। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ न्यू चैप्टर, दैट इज मैटिंग मटेरियल्स। तो आई विल जस्ट क्विकली, वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन सो फार। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के पहले लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वी हैव एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट था, और बार मैग्नेट को हम बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं बिकॉज इट हैज टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है वो हमने डिराइव किया था। अभी हम डिराइव तो नहीं करेंगे, बट जस्ट वी विल सी व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इट। सो वी हैव अ बार मैग्नेट व्हिच इज इनसाइड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। और इफ यू रिमेम्बर, ऑफ कोर्स यू शुड नो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पे ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। तो नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल पे एक फोर्स होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स, बेसिकली फोर्स हियर इज क्यू एम इंटू बी, वेयर क्यू एम इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। और यहाँ पे फोर्स होगा माइनस क्यू एम इंटू बी, वेयर माइनस क्यू एम इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। द एक्सिस ऑफ मैग्नेट मेक्स एंगल थीटा विथ एक्सटर्नल फील्ड। तो जो मैग्नेट का एक्सिस है, एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक्सिस ऑफ मैग्नेट ने एक्सटर्नल फील्ड के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा। और यहाँ पे दो फोर्सेस है, दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। जहाँ पे कपल होता है वहां पे टॉर्क होता है, मतलब दिस मैग्नेट विल रोटेट। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट, इफ यू रिमेम्बर, वाज गिवन बाय न्यू वी साइन थीटा, कॉस थीटा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में होता है। दिस इज न्यू वी साइन थीटा, एंड एज आई टोल्ड यू, वी विल नॉट रिवाइज। हमने ऑल मतलब डेरिवेशन हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिराइव किया था। इट इज जस्ट टू रिकॉल द बेसिक फॉर्मूलास। तो अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो म्यू बार क्रॉस वी बार आता है। फिर हमने देखा था व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हर जगह पे वर्क डन से ही आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो आपके पास बार मैग्नेट है इस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है तो ये बार मैग्नेट रोटेट होगा, मतलब इनिशियल एंगल थीटा से इट विल गो टू सम न्यू एंगल, लेट अस से थीटा 0। तो दिस इज सम एंगल थीटा 0। तो मैग्नेट रोटेट हो गया बिकॉज ऑफ द टॉर्क। हमको इस मैग्नेट को वापस से इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब हमको थीटा 0 से थीटा तक वापस लेके जाना है। तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ यू रिमेम्बर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था म्यू वी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल, राइट? नॉर्मली जो आपके बुक्स में दिया होता है ना, व्हाट दे डू इज इनिशियल एंगल को 90 लेके चलते हैं। मतलब व्हाट दे अज्यूम इज कि जो बार मैग्नेट है वो इनिशियली परपेंडिकुलर रहा होगा इसको एक्सटर्नल फील्ड को। तो इनिशियल एंगल वो क्या मान के चलते हैं, 90। तो अगर इनिशियल एंगल थीटा 0 अगर 90 है, तो इन दैट केस यू विल गेट यू बी इक्वल टू म्यू बी cos 90 माइनस cos ऑफ थीटा। cos 90 इज 0, तो यू बी इक्वल टू म्यू बी 0 माइनस cos थीटा। तो यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बी cos थीटा। तो ये आ जाएगा यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार। तो जनरली यू विल सी दैट इन योर टेक्स बुक दे विल गिव यू दिस फॉर्मूला, लेकिन रियलिटी में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। नॉर्मली ऐसा आता है। ओके,
देन इसमें हमने तीन केसेस देखे थे, थ्री स्पेशल केसेस। एक था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का, एक था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का, और एक था एंगल 90 का। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? एंगल इज जीरो। एंगल जीरो होने का मतलब ये है, एंगल जीरो होने का मतलब ये है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्सटर्नल फील्ड के साउथ के पास में है, और मैग्नेट का साउथ पोल एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ के पास में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो पहला केस था, इफ द फाइनल एंगल इज जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, म्यू का। म्यू का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, इसका डायरेक्शन और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल कितना है? जीरो है। तो एंगल जीरो होने का मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्सटर्नल फील्ड के साउथ के तरफ है, और मैग्नेट का साउथ पोल एक्सटर्नल के नॉर्थ के तरफ है। इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हो, इसको आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट भी बोलते हो, इसको आप मोस्ट स्टेबल स्टेट भी बोलते हो। तो इन दैट केस यू विल गेट म्यू बी इक्वल टू म्यू बी कॉस ऑफ जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? वन। केस टू, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दैट केस यू बी, और ये मिनिमम एनर्जी है, दिस इज मिनिमम, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 180 इज माइनस वन, तो ये बन जाएगा म्यू बी, जिसको तुम एम बी भी लिखते हो। म्यू की जगह पे आएगा, टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि कहीं पे म्यू लिखा होगा, कहीं पे एम लिखा होगा। तो दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली इट इज मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, और होगा भी ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मैग्नेट का साउथ और मैग्नेटिक फील्ड का साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ, दे आर टुवर्ड्स ईच अदर, तो दे शुड रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सन होगा, तो इट इज अनस्टेबल स्टेट। ओके, फिर हमने देखा था एट 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90, यू हैव पोटेंशियल एनर्जी एज जीरो। फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। तो ये थीटा प्लॉट किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया आपने, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया आपने, यहाँ पे हमने लिखा था म्यू बी, यहाँ पे हमने लिखा था माइनस म्यू बी, और एज यू नो माइनस म्यू बी कब होता है? फॉर थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या है? माइनस म्यू बी। थीटा इक्वल टू 90 पे, ये जीरो एंगल, ये 90 एंगल, और यहाँ पे 180 एंगल। थीटा इक्वल टू 90 पे कितना है? जीरो, जीरो है कि नहीं? और थीटा इक्वल टू 180 पे कितना है? प्लस म्यू बी। तो अगर आपको याद होगा जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना, वो ग्राफ ऐसा कुछ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन एंगल इज जीरो, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई व्हेन एंगल इज 90, मतलब मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई म्यू बी व्हेन द एंगल इज 180, मतलब व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज फेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज फेसिंग साउथ पोल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। करेक्ट, राइट। इसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक के बाद व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक मैग्नेट लिया, उसको सस्पेंड कर दिया, और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और वो ऑसिलेट हो रहा था। तो व्हाट वी हैव डन इज समथिंग लाइक दिस, हमारे पास एक ये एक वर्टिकल सपोर्ट है, इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट डाल दिया, और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से हमने एक वायर निकाल लिया नीचे, और इस वायर के नीचे हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया।
ओके, मान लेते हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इसके बाद व्हाट वी हैव डन इज, तो ये सब अभी याद रहना चाहिए, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। अगर नहीं करोगे तो देन ये प्रॉब्लम फॉर यू, याद ही नहीं रहेगा। आई कैन जस्ट सी मोस्ट ऑफ योर फेसेस ब्लैंक, याद ही नहीं आ रहा ये इस साल किया था कि पिछले जन्म में किया था। नहीं, हमने इसी साल इसी जन्म में 2-3 दिन पहले देखा है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। गुड, तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेट को सस्पेंडेड मैग्नेट के पास में लाओगे, नॉर्थ इज फेसिंग नॉर्थ तो रिपल्शन होगा, जब नॉर्थ इज फेसिंग नॉर्थ रिपल्शन होगा तो सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जाएगा और साउथ बाहर की तरफ आएगा, तो ये मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो जो स्ट्रिंग है जिसके हेल्प से सस्पेंडेड है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट। और जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेट को रिमूव कर दिया तो जो स्ट्रिंग था वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो नाउ द स्ट्रिंग विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड द मैग्नेट विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस। ये हमेशा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैग्नेट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वो हमने कहाँ से किया था फिर, हाउ डिड वी डिराइव, यस टॉर्क इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा, यहां से स्टार्ट किया था हमने। हमने बोला था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, या फिर आप बोल सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सटर्नल मैग्नेट प्रोवाइड करता है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेट इसको डिफ्लेक्ट करता है, और मैंने जैसे बताया कि अगर मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो स्ट्रिंग क्लॉकवाइज ट्विस्ट हुआ है, राइट। मतलब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इट इज प्रोवाइडिंग रीस्टोरिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने अभी देखा, व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट, म्यू बी साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस म्यू बी साइन थीटा, वेरी गुड, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल साइन थीटा इज थीटा, सो इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। लेकिन टॉर्क होता है आई अल्फा, बट द टॉर्क इज आई अल्फा, तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, व्हाट इज अल्फा, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बी थीटा इक्वल टू जीरो। मतलब डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बी बाय आई थीटा इक्वल टू जीरो, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर आपको याद होगा एंगुलर ऑसिलेशन का जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, तो बाय कंपैरिजन यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू बी बाय आई, तो यू विल गेट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, नाउ वील गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। तो अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, सबसे पहले व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस,
ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट हैव यू लर्न्ड। आपने देखा था कि जब आपके पास एक वायर हो और वायर में से अगर आप करंट पास करते हो, करंट मतलब मूविंग चार्जेस, तो मूविंग चार्जेस मतलब करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार इज कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, स्टेडी करंट, राइट, करेक्ट। लेकिन देन एज आई टोल्ड यू कि ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जो नेचुरली मैग्नेट होते हैं। अब सॉरी, अब उसमें तो हम लोगों ने करंट पास किया नहीं, बट दे आर स्टिल मैग्नेट, मतलब दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, को बाद में देखेंगे। डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल की बात कर रहे हो आप, डायमैग्नेट की बात कर रहे हो कि पैरा की बात कर रहे हो कि फेरो की बात कर रहे हो, दैट विल सी लेटर ऑन। बट यू शुड रिमेंबर व्हेन यू से कि देर इज अ सब्सटेंस विच शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पर हमने तो करंट नहीं पास किया। अब तक तुमने यही सीखा ना कि करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब बेसिकली हमको ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है मटेरियल में वो कहाँ से आ रहा है। बिकॉज सो फार वॉट एवर फिजिक्स वी हैव लर्न, इट टेल्स अस दैट इफ यू वॉन्ट टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ मटेरियल देयर हैज टू बी अ करंट। देन अभी अगर एक मटेरियल नेचुरली मैग्नेट है, हमने करंट तो पास नहीं किया फिर भी मैग्नेट है, तो यू हैव टू थिंक कि कहाँ से आ रहा है यह प्रॉपर्टी, कहाँ से आएगा। एट द फंडामेंटल लेवल कोई भी सब्सटेंस किससे बना होता है, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स किससे बनते हैं, एटम्स। अल्टीमेटली तो फंडामेंटल लेवल पे एटम, एटम इज फर्दर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस तो मूव नहीं होता, मूव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इट कैन बी अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। क्योंकि अगर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर लूप बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप, और एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो चैप्टर नंबर 10th और 11th, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल्स, आर देयर इज अ वेरी क्लोज कनेक्शन। एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, और वॉट इज करंट, इट इज मोशन ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है अराउंड द न्यूक्लियस, बेसिकली इट बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप, एंड एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। तो हमको अभी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगला टॉपिक देखो वही होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में सब टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, तो थ्योरी तो मैं कुछ नहीं लिखने वाला, क्योंकि अरे वेरी बेसिक थिंग, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ रेडियस आर, तो ये तुमको पता है। ओके, तो दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, विच आई विल नॉट एट ऑल मेंशन हियर, थ्योरी तो अभी नहीं लिखेंगे हम लोग। तो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड लेट अस से द रेडियस, रेडियस बी आर, तो ये लेट अस, रेडियस इज स्मॉल आर, करेक्ट, राइट। अब देखो थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एक ही बात है। तो ऑर्बिटल मोशन याद रखो, ये हम लोग यहाँ पे फिलहाल ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, करेक्ट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कमिंग फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन। तो मैं यहाँ पे पहले बात करूंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, और मैंने आपको पहले आज भी और पहले भी बताया था कि समवेयर आई विल बी यूजिंग स्मॉल एम फॉर डायपोल मोमेंट
समवेयर आई विल बी यूजिंग म्यू फॉर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि कई जगह पे म्यू का मतलब अलग होता है, वो आएगा आपको आगे, अभी आज ही आएगा। ओके, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन ऑफ और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल। एनी मटेरियल एट द फंडामेंटल लेवल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है तो वो इससे आ सकती है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यू नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज करंट इनटू ए, आई इनटू ए। लेट अस स्टडी द इक्वेशन नंबर वन। एंड करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं एक रिवोल्यूशन की बात करूं, इन वन रिवोल्यूशन द टाइम टेकन इज कैपिटल ई, विच इज टाइम पीरियड, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ई, राइट? तो आई इक्वल टू ई बाई टी, बट टाइम पीरियड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड बी। तो देयरफॉर करंट इक्वल टू ई बाय टाइम पीरियड था, तो ई बाय टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय वी गया ऊपर। इक्वेशन नंबर टू, जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इन वन राउंड इज 2 पाई आर और स्पीड इज वी, तो टाइम पीरियड टी इज 2 पाई आर बाय वी, टाइम पीरियड टी इज 2 पाई आर बाय वी। करंट था ई अपॉन टाइम पीरियड, ई अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय वी, तो 2 पाई आर बाय वी सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आई इज ई वी अपॉन 2 पाई आर, ई वी अपॉन 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर टू, और ये जो एरिया है ना वो है पाई आर स्क्वेयर। ओके, एरिया ऑफ दिस लूप मतलब एरिया ऑफ दिस सर्कल बेसिकली। इक्वेशन नंबर थ्री, तो ये इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री, एम ऑर्बिटल इज आई इनटू ए, बट आई इटसेल्फ इज क्या है, आई ए वी अपॉन 2 पाई आर, और ये आ गया पाई आर स्क्वेयर। पाई पाई आर और आर हो गया कैंसल, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ई वी आर अपॉन टू। कई जगह पे आपको ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, सीईटी में तो एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आ गया था, व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, ई वी आर बाई टू। डन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया था, हो गया। बट रिमेंबर, जब भी सर्कुलर मोशन की बात होती है ना, वेन एवर यू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, इन दैट केस किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन हो, दैट इज नॉट सर्कुलर आई नो, बट दैट इज एंगुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन है। तो कभी भी एंगुलर मोशन को नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं, उसका सिंपल रीजन है, जैसे लीनियर मोशन में हमेशा मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, वैसे एंगुलर मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। तो नॉर्मली जिस किसी केस में अगर ऑर्बिटल मोशन है, तो ऑलवेज द फॉर्मूला इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। आर बार क्रॉस पी बार मतलब आर पी साइन थीटा, और अगर थीटा 90 हो गया तो आर पी, और पी होता है एम वी, तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। आपके पास यहाँ पे ई वी आर बाई टू है, अगर मुझे एम वी आर मिल जाता तो मैं एंगुलर मोमेंटम लिख लेता, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर लूंगा। किसका मास? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्टीमेटली हु इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग ई वी आर बाई टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो एम वी आर आ गया ना, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस
तो आ जाएगा ई बाई टू एम ई इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आ गया आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या क्लियर? लेकिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी मैंने अभी बताया, अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो एम ऑर्बिटल भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फिजिक्स में यू कैन नॉट राइट डाउन स्केलर ऑन वन साइड एंड वेक्टर ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इन वेक्टर नोटेशन, व्हाट यू कैन डू इज एम ऑर्बिटल वेक्टर इक्वल टू माइनस माइनस ई अपॉन टू एम ई एल बार। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम को अपोजिट है। तो नॉर्मली होता क्या है, सपोज यू हैव दिस एज एटम न्यूक्लियस एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो अगर एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन वाइज। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन नॉर्मली अलोंग द एक्सिस होता है, ये पता होना चाहिए। बोलोगे कैसे, ऐसा क्यों? चलो बताता हूँ ऐसा क्यों। मैंने अब भी बोला था, व्हाट इज एल बार? आर बार क्रॉस पी बार, ऐसे होता है कि नहीं? बेसिक्स के बिना ना यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। इफ यू हैव बेसिक क्लियर, गुड। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर बार? सेंटर टू अवे। आर बार मतलब रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर सेंटर टू अवे, बराबर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग द टेंजेंट? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता है, व्हाट चेंजेस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। और आपको पता होगा मोमेंटम इज एम इंटू वी, पता है ना? तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है, वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। ये थोड़ा सा 3D को तुम 2D में देख रहे हो तो मे बी यू विल गेट लिटिल कंफ्यूज, डोंट वरी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन एट ऑल, आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट हियर। ये था आपका आर बार, बराबर। और ये जो पेन है, इमेजिन दिस पेन इज पॉइंटिंग अलॉन्ग द टेंजेंट, मतलब द मोमेंटम का डायरेक्शन, बराबर। व्हाट इज एल बार? आर बार क्रॉस पी बार। एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार। आर बार क्रॉस पी बार का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बोथ आर बार एंड पी बार। ये स्टिक आर बार है, ये पेन, चलो ठीक है बाहर की तरफ दिखा देता हूँ, डज नॉट मैटर रियली मच, डज नॉट मैटर मच। ये क्या है? स्टिक क्या है? आर बार है। पेन क्या है? पी बार। एंगुलर मोमेंटम होगा दोनों को परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर, तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ऐसा ही होगा ना, होगा ना ऐसा? अरे ये टुवर्ड्स एक्स है, ये टुवर्ड्स वाई है, एक्स और वाई को परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? क्या हो गया? अलोंग जेड। और मैंने एम ऑर्बिटल को क्या लिखा? माइनस ई बाई टू एम ई एल बार, माइनस एल बार, ये एल बार है तो माइनस एल बार मतलब नीचे। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू क्या है? एल बार है। और एल बार कहाँ है? अलॉन्ग द एक्सिस। तो दैट इज वाई इफ यू सी, मैंने एल बार दिखाया अलॉन्ग द एक्सिस, मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिखाया नीचे की तरफ। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, सिर्फ ये तुम फेस ऑन देख रहे हो, फेस ऑन ऊपर से, और ये तुम साइड व्यू, जिसको एज ऑन बोलते हो, एज ऑन। और ये वर्ड्स अच्छे से समझ भी लो क्योंकि काम में आएंगे आगे साइंस में।
When you look at this sheet, this is face on. When you look at this sheet like this, edge on, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये एज ऑन व्यू है यहाँ पे, और जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये फेस ऑन व्यू है। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तो अदरवाइज मुझे फिर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर दिखाना पड़ता और मैंने डायपोल मोमेंट फिर अंदर दिखाना पड़ता। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो वेक्टर फॉर्म में कोई तुमको समझ में आ गया? इन वेक्टर नोटेशन इट इज जस्ट एम ऑर्बिटल इक्वल टू माइनस ई अपॉन टू एम ई एल बार। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर अपोजिटली डायरेक्टेड। गोइंग बैक टू स्केलर फॉर्म, वापस से हम लोग स्केलर फॉर्म पे आ जाते हैं, राइट? फ्रॉम इक्वेशन फाइव, फ्रॉम इक्वेशन फाइव स्केलर फॉर्म है एम ऑर्बिटल। वेक्टर फॉर्म की हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए इसके लिए बताया मैंने, लेकिन हमको जरूरत है स्केलर फॉर्म की, ई अपॉन टू एम ई इंटू एल। अब चैप्टर नंबर 14 आएगा, एक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 15 नंबर, 14 नहीं 15 नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो व्हाट यू शुड नो इज, देखो अलग अलग मॉडल्स है एटम के, व्हाई देयर आर डिफरेंट मॉडल्स वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेल्टन मॉडल था, फिर थॉमसन मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हो, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल सही था, लेकिन रदरफोर्ड कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर वो नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया, जिसको तुम तो बोलते हो बोहर एटॉमिक मॉडल। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन थ्री पोस्टुलेट्स, उसने क्लासिकल, क्वांटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कंबाइन करके एक मॉडल दिया एटम का, तीन पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट पोस्टुलेट्स, उसमें से पोस्टुलेट नंबर टू एंगुलर मोमेंटम, वैसे एक्चुअली एडली स्पीकिंग उसका मतलब क्या था पहले वो समझ लो। नाउ व्हाट यू नो इज अबाउट एन एटम, तुमको क्या पता है? तुमको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? कहाँ होते इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्बिट्स में। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? पर लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो दो ऑर्बिट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस में तुमको दिखा रहा हूं, दो ऑर्बिट के बीच में जो खाली स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये रेस, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही, न्यूक्लियस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दे कैन नॉट बी बिटवीन बिटवीन द गैप, जिसको तुम फॉरबिडन भी बोलते हो। उसका रीजन ये है, देर आर ओनली सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट भी उसका भी कंडीशन है स्टेबिलिटी का। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर सकता, इट हैज टू बी इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल, सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेबल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, ये आता है फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, ऑफ बोहर मॉडल। ये बाकी डिटेल तो हम चैप्टर नंबर 15 में करेंगे ही, फिलहाल तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, और केमिस्ट्री में तुम्हारा हुआ है देख ही रहा है, दैट यू आर आंसरिंग व्हिच मींस यू ऑलरेडी नो दिस, तो वेरी गुड। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड और स्टेबल इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऑफ एच अपॉन 2 पाई। वैसे सीबीएसई के बुक्स में या हायर लेवल फिजिक्स बुक्स में एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस बोलते हैं, एच क्रॉस। इसका मतलब एच को कैंसिल नहीं किया, नहीं तो एच को कैंसिल करना समझोगे, एच क्रॉस मतलब बेसिकली करते क्या है वो, एच एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू 6.63 × 10^-34 डिवाइड बाय 2 पाई कर लेंगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको एच क्रॉस बोलते हैं, डन। ओके, तो कहीं पे एच के ऊपर क्रॉस दिखी तो दैट इज नॉट कैंसल्ड एच, दैट इज एच अपॉन 2 पाई। तो आप अगर अगर आप फॉरेन ऑथर से बुक पढ़ रहे हो ना,
तो तुमको वहां पे NH क्रॉस लिखा हुआ मिलेगा। तो दे विल टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH क्रॉस। ओके ठीक है, देन एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयर फोर एम ऑर्बिटल विल बिकम ई अपॉन 2ME इनटू एल, व्हाट इज एल, NH अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो गया, एम ऑर्बिटल क्या हो गया, ई अपॉन 4 पाई, 2 × 4 पाई, राइट। और क्या है ME, और क्या है NH, दिस इज ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। यहां तक पक्का पक्का करेक्ट? अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं फॉर n इक्वल टू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, राइट करेक्ट। तो उस केस में जो m ऑर्बिटल की वैल्यू आएगी क्या आएगी, eh अपॉन 4 पाई ME। इसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको, बोहर मैग्नेटॉन। और इसको यहां पे म्यू से डिनोट किया जाता है, इसके लिए मैंने वहां पे m यूज किया नोटेशन, नॉट टू कंफ्यूज विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां पे म्यू इज बोहर मैग्नेटॉन। तो जब तुम किसी भी एटम का ओवरऑल डायपोल मोमेंट बताते हो ना, ओवरऑल, तो यू टेल इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है वो है 1 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि एन की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा, eh अपॉन 4 पाई ME। और इसमें भी सीईटी पे क्वेश्चन आया है, आपको बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू पूछ लिया, ई कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, 4 पाई ME सब कॉन्स्टेंट, तो बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट। तो जस्ट पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट, राइट। और याद रख लो, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 टाइम्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो नॉर्मली किसी भी एटम का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, अभी किसी भी एटम का क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एटम में ही रिवॉल्व हो रहा है ना, तो किसी भी एटम का मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैं बार बार ऑर्बिटल 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 बोल रहा हूँ, तो रीजन है, तो यू हैव टू पे अटेंशन एट दिस वर्ड ऑर्बिटल, क्योंकि दिस डायपोल मोमेंट इज कमिंग ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉर्मली मेंशन इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। याद रखना, करेक्ट, क्लियर यहां तक, पक्का, राइट। तो अब आपको इसके बाद पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फिजिक्स में आपको कोई नहीं पूछता है, ये सिर्फ आपको आगे लगने वाला है उसके लिए, आगे का जो टॉपिक है वो समझने के लिए तुमको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो लगने नहीं वाला, तो मैं ज्यादा लिखने भी नहीं वाला, बट व्हाट डज इट टेल यू, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द सेम स्टेट, मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स NL ML एंड NS। इलेक्ट्रॉन का स्टेट स्पेसिफाई करने के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। N गिव यू नंबर ऑफ ऑर्बिट, L टेल्स यू द ऑर्बिटल, SPDF जो भी होगा वो, ML गिव यू -L to +L उसका वैल्यू होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। और MS इज स्पिन, राइट, ओके। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टेल्स यू दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम स्टेट, मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। हो गया, एन की वैल्यू सेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट के, तो दोनों का एन का वैल्यू
वन है, और एल का वैल्यू एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है इफ यू नो दिस। जीरो से एन माइनस वन तक होता है वो, राइट? गुड, करेक्ट। और जो एम एल है वो माइनस एल टू प्लस एल होता है। तो कोई दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों वैल्यू तो सेम हो सकती है, चौथी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसका सिंपल भाषा में अगर तुम समझना चाहो, देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस नॉर्मली विल कम फ्रॉम कनेक्टिंग इट विथ रियल लाइफ। एक सीट पे दो लोग बैठ सकते हो क्या? तुम नहीं बैठ सकते ना, वही है ये। तुम एक ही सिंगल सीट पे एक के ऊपर एक बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते। आजू बाजू में बैठ सकते हो? यस, वही है, इट्स द सेम थिंग। टू ऑफ यू कैन बी इन एट द फर्स्ट बेंच, मतलब टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। दे कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ एल, यस दे कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ एल, ऑफ कोर्स दे कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ एल, दे कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ एम एल, यस। बट इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ एम एस, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिर एम एस कैनॉट बी सेम। अभी ये एम एस है क्या, पहले उसका थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा था ऑर्बिटल 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 ऑर्बिटल, याद रखना है ऑर्बिटल है। होता क्या है, सपोज अगर मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो जो भी डायपोल मोमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन से आना चाहिए। सपोज सपोज थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मतलब ये बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एन की वैल्यू तो वन होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? बोहर मैग्नेटॉन, ई एच अपॉन 4 पाई ME, सम वैल्यू। अब जब मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करता हूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलना चाहिए ना, राइट? नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है, थियोरेटिकल वैल्यू से ज्यादा मिलता है। ओके, तो व्हेन यू मेजर एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन सही आता है वो, तो यू गेट मोर वैल्यू कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। चलो मान ले कि एक्सपेरिमेंटल एरर होगा, फिर हमने एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया, वापस रिपीट किया, वापस रिपीट किया, जितनी बार रिपीट किया हर बार हमको वैल्यू ज्यादा ही मिली और हर बार हमको वैल्यू सेम मिली। इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू कम है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो थ्योरी में हमने कैलकुलेट किया कुछ तो छोड़ गया हमसे, हमने कुछ छोड़ दिया हमसे, राइट? हाँ, अब ये जो तुम स्पिन बोल रहे हो ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो जो इनिशियल इनिशियल टाइम पे जो लॉजिक दिया गया, सम साइंटिस्ट सेड कि क्या होता है, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन एज वेल एज दे स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस, जिसको तुम रोटेशन बोलते हो, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी रिवोल्यूशन के साथ साथ क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। तो शुरू में मान लिया कि हाँ वो स्पिन होता होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोला है, NS, राइट? लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली ये शो किया कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा और इलेक्ट्रॉन पे अगर एक कोई पॉइंट ले ले हम लोग, इफ आई टेक इलेक्ट्रॉन एंड पुट अ पॉइंट देयर एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, तो वो जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गया, बट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्पिन। फिर ये जो बेसिक डिफरेंस है थ्योरेटिकल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, उसको शुरू में नाम क्या दिया था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो नाम नहीं चेंज किया, नाम वही रखा, स्पिन क्वांटम नंबर। कहां से आया पता नहीं, तो नंबर इंट्रेंसिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक? इंट्रेंसिक मतलब क्या? सम नेचुरल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज इंट्रेंसिक। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन क्वांटम नंबर होगा ही, लेकिन रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन। वो प्रूव करने के लिए आपको बहुत हायर लेवल का क्वांटम मैकेनिक्स लगने वाला है, तो फिलहाल छोड़ दो। सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू कम आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोल दिया हमने? स्पिन क्वांटम नंबर। एंड लकीली ये स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी
प्लस हाफ और माइनस हाफ, ओके। तो इट कैन बी इधर प्लस हाफ और इट कैन बी माइनस हाफ। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका एन एल एम एल सब वैल्यू सेम है, लेकिन एम एस वैल्यू या तो प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ। इसको स्पिन स्टेट भी बोलते हैं फिर, राइट करेक्ट। और इससे ही आपके आगे का कपलिंग्स एंड ऑर्बिटल्स सब यहीं से आगे आता है, वो मैं नहीं जाऊंगा। आई जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वॉट इज रिक्वायर्ड ऑफ फिजिक्स, इन नॉट एंटर इन टू द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ तक ठीक है। ये इंट्रिंसिक है, जहां इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, राइट। तो अभी आगे का टॉपिक समझने के लिए इट इज एसेंशियल फॉर यू टू नो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है ई एन एच अपॉन 4 पाई एम ई। इफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इट इज ई एच अपॉन 4 पाई एम ई विच इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। किसी भी एटम का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। देन एक्सपेरिमेंटली इट वॉज सीन दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो था, किसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, किसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से ज्यादा आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो स्पिन से आ रहा होगा, ऐसा शुरू में अजम्पशन था। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो भी आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देता है, ऐसा उसका मतलब है। लेकिन बाद में समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन, लेकिन हमें नाम दे दिया तो दे दिया, नाम चेंज नहीं किया। तो उस टाइम से इसको हम लोग स्पिन स्टेट बोलते हैं या फिर इसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, राइट। या तो इसको जैसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वैसे स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक, तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, यहाँ तक क्लियर। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आने वाले टॉपिक में लगेगा, आज या कल आई डोंट नो, टुडे और टुमारो, बट लगेगा। अब लेट अस सी समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अभी अब तक तुमको क्या समझा ये टॉपिक से, देखो क्या होता है ना, हर एक टॉपिक के बाद यू शुड टेक अ पॉज एंड थिंक व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम दैट टॉपिक। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसमें मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है। हमारे नॉलेज के हिसाब से मैग्नेटिज्म का सोर्स होता है करंट। तो अगर मैं बेसिक लेवल पे सोचते जाऊं तो हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इट इज लाइक अ करंट लूप। तो हमको पहले ये असम्पशन से स्टार्ट करना पड़ा कि ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ करंट लूप, मतलब इट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमने उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड किया और हमको जीरो नहीं मिला। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस इट कैन बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अ मटेरियल। यहां तक क्लियर, गुड। अब इसके आगे, अब वी वॉन्ट टू सी वॉट इज मैग्नेटाइजेशन एंड वॉट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हम लोग पहले मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करेंगे और बाद में देखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी अभी हमने देखा, थोड़ा सा कनेक्ट करना क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल है, तो यू हैव टू इमेजिन। ऑफ कोर्स हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लेकिन जब सब्सटेंस बनते हैं तो एक सिंगल एटम तो नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ऑलवेज। इफ आई मेक समथिंग लाइक मेड अप ऑफ आयन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्वेंटी सिक्स, राइट। तो जब एक बल्क मटेरियल बनता है ना तो बहुत सारे एटम साथ में आते हैं और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट है, बराबर करेक्ट।
और ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो जब सब्सटेंस बनता है तो बहुत सारे टाइनी मैग्नेट्स, इनको टाइनी मैग्नेट्स बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस आर लाइक स्मॉल मैग्नेट्स। और हर एक मैग्नेट का क्या है, हर एक टाइनी मैग्नेट का, हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो जब सब्सटेंस बनेगा, सब्सटेंस बनना मतलब ये बहुत सारे टाइनी टाइनी मैग्नेट साथ में आना। तो ऐसा हो सकता है कि जो बल्क मटेरियल बना, उस बल्क मटेरियल का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मतलब सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके जीरो आ गया, राइट। तो जिस सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स कैंसिल नहीं भी हो रहे, मतलब जब बल्क मटेरियल बना तो इट इज पॉसिबल दैट द सब्सटेंस हैज सम रिमेनिंग लेफ्ट ओवर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बराबर। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे ना एक रीजन में मैंने रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स दिखा दिए, एंड यू मस्ट नो बाय दिस टाइम, कैन यू प्लीज सेपरेट, डिकपल इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। थैंक यू। ओके, वैसे नॉर्मली कपलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट थैंक यू। ओके गुड, आएगा आगे इसी चैप्टर में आएगा। ओके, यू विल सी स्ट्रॉन्ग कपलिंग मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके एनीवेज, तो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जब सब्सटेंस बनता है ना तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सब कैंसिल हो गए, कुछ बचा ही नहीं, तो मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देर आर सम डायपोल मोमेंट्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन, तो बाकी तो कैंसिल हो गए लेकिन ये कैंसिल नहीं गया, यू नो इफ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। तो ये जो नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में बचा खुचा लेफ्ट ओवर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग नेट डायपोल मोमेंट जो भी है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हो, मैग्नेटाइजेशन। तो पहले यू शुड हैव दिस आइडिया वेरी क्लियर, व्हेन अ बल्क सब्सटेंस इज फॉर्म इट मे हैपन दैट द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इट मे ऑल्सो हैपन दैट द नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में रिमेनिंग डाइपोल मोमेंट कितना है, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, और मैग्नेटाइजेशन को हम नॉर्मली डिनोट करने वाले हैं एम सफिक्स जेड से, एम जेड। तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेट डायपोल मोमेंट मतलब एम नेट अपॉन वॉल्यूम वी। अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट ऑफ एम जेड इज स्मॉल एम, क्या था, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, करंट मतलब एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर और ये वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, ये आ गया ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एम्पियर पर मीटर। और अगर आपको इसका ऐसा यूनिट से डायमेंशन बनाने हैं तो तुम वो भी बना सकते हो, तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी इजी है ना। डायमेंशन में आप डायपोल मोमेंट के डायमेंशन को वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड कर लोगे, डायपोल मोमेंट था करंट इनटू एरिया अपॉन वॉल्यूम, करंट होता है ए रेस टू वन, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना करंट, हाँ, एरिया होता है और ये होता है एल रेस टू थ्री, तो ए वन एल माइनस वन। तो यह है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर, पक्का क्लियर, समझे यहां तक, राइट। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, अभी हम उस पर आएंगे डिटेल में, लेकिन जस्ट टू नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुमको कितना समझ में आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस।
एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज अ टाइनी मैग्नेट बिकॉज इट हैज ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट. व्हेन अ बल्क सब्सटेंस इज फॉर्मड मेनी सच डायपोल मोमेंट्स कम टुगेदर दे मे एड अप वेक्टोरिकली टू गिव यू जीरो. अगर ये सब जीरो हो गया मतलब मटेरियल के पास नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. लेकिन अगर ये नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब में देर इज सम डायपोल मोमेंट रिमेनिंग. दैट डायपोल मोमेंट नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन विच इज मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर एंड डायमेंशन इट इज A1L-1. अब हम लोग जो लास्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था देखो जरा क्या था. टोरॉइड नाम का एक चीज था मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ टोरॉइड ऐसा लास्ट टॉपिक था राइट म्यू जीरो एन आई. अब जरा हम उसको रिविजिट करेंगे लेकिन विथ सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ. अब हमको देखना है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए मैंने बोला ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन. तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड. वहां पे बुक में टाइटल दिया नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंडर ही आ गया वो. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ टोराइड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोराइड अब पहले इसका मतलब क्या है वो समझ लो. यू नो व्हाट इज टोराइड और हमने देखा है टोराइड मतलब सोलेनोइड बेंड इन द शेप ऑफ अ डोनट. ओके तो हमारे पास टोराइड है मतलब क्या है हमारे पास सोलेनोइड है. उस सोलेनोइड को हमने एक डोनट का शेप दे दिया था और अगर आपको याद होगा इस डोनट शेप के सोलेनोइड के ऊपर वाइंडिंग्स थे. इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे वाइंडिंग्स थे और अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए आइडियली जब आप इस वाइंडिंग्स में से करंट पास करोगे तो व्हेन यू पास करंट थ्रू दिस वाइंडिंग्स इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है विच इज गिवन बाय म्यू जीरो एन आई. और अगर आपको याद होगा ये जो हमने टोराइड लिया था इसका एवरेज रेडियस हमने लिया था आर. याद है कि एवरेज रेडियस एवरेज रेडियस इज आर इनर प्लस आर आउटर डिवाइड बाई टू R1 प्लस R2 बाई 2. क्योंकि जो इनर रेडियस है वो R1 है और आउटर रेडियस R2 है तो ये एवरेज रेडियस है R. तो मैं वापस फिर लिखूंगा नहीं. कंसिडर अ टोराइड हैविंग स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्योंकि स्मॉल एन ये हमेशा क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स राइट. सो कंसिडर अ टोराइड ऑफ एवरेज रेडियस आर हैविंग स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द वाइंडिंग ऑफ द टोराइड हेंस द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द टोराइड ड्यू टू करंट इज म्यू जीरो एन आई. ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिराइव किया था तो हम वापस डिराइव नहीं करेंगे इसको. सीधा हम बोलेंगे कि हमको पता है वी नो दैट. ओके तो अभी इसमें नया क्या है. तुमको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था कि टोरॉइड का जो कोर है कोर जिसको तुम फॉर्मर भी बोलते हो जिसके ऊपर वाइंडिंग है ना इसको तुम फॉर्मर या कोर बोलते हो. पिछले चैप्टर में हम जब मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे थे तो हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर रहे थे. हमने तब ये मेंशन ही नहीं किया या ये सोचा भी नहीं कि जो ये कोर है जो फॉर्मर है उसका जो मटेरियल है वो खुद भी नेचुरली मैग्नेटिक इन नेचर हो सकता है राइट. तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के दो कंट्रीब्यूशन होंगे एक होगा करंट से और एक होगा मटेरियल की वजह से. तो करंट का कंट्रीब्यूशन कितना है म्यू जीरो एन आई उसको मैं डिनोट करूंगा बी जीरो से. तो रिमेंबर दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट करंट राइट. और एक कंट्रीब्यूशन आएगा जो आएगा मटेरियल की वजह से. मैंने अभी आपको बताया ऐसा होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जीरो नहीं भी होता है तो
तो अगर किसी मटेरियल में डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जीरो नहीं है तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज है कि नहीं है? है। और उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। मेरे पास मटेरियल ए है, मटेरियल बी है। मटेरियल ए में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लेट अस से 5 है, मतलब मैग्नेटाइजेशन 5 है। मटेरियल बी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लेट अस से 15 है, मतलब मैग्नेटाइजेशन 15 है। तो मटेरियल ए ज्यादा मैग्नेटिक है कि मटेरियल बी ज्यादा मैग्नेटिक है? मटेरियल बी, मतलब जो मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। तो ये जो बीएम है ना, बीएम इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, ऐसा है राइट? तो ये जो तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखोगे जीरो, है ना? देखा है ना, नोट्स में दिया हुआ है। आई थिंक यू हैव योर नोट्स, क्योंकि नोटेशन आई डोंट रिमेम्बर नॉर्मली क्या लिखा है नोट्स में। म्यू जीरो राइट, मेरा म्यू जीरो इज ऑफ कोर्स परमियाबिलिटी, तो म्यू जीरो। ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर पक्का? तो अब एक्सिस पे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा? तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस विल बी ड्यू टू करंट प्लस ड्यू टू मटेरियल। तो ये कितना है? व्हाट इज बी जीरो? म्यू जीरो एन आई, एंड व्हाट इज दिस? म्यू जीरो एम जेड। तो म्यू जीरो कॉमन, एन आई प्लस एम जेड। ये जो एन आई है इसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच। और इसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। व्हाट डज इट टेल यू? व्हाट इज एच? एन आर। तो एच हमको क्या बताता है? एच हमको बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना कंट्रीब्यूशन करंट में है, क्योंकि करंट एन आर मतलब करंट पे डिपेंड करते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एन इंटू आई, which tells you that how much is the field due to current, right? Correct? हो गया। अब हम और एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या, वो भी समझ लो। और देखो बेसिकली ये जो ससेप्टेबिलिटी है ना, यही आगे जाके मटेरियल को डिफरेंशिएट करेगा, कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक, कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक, कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, अपन मराठी में मन तो काय, वो काय नहीं, काय ये ग्रीक लेटर काय है। तो ये जो काय है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ एच। तो ऐसा है क्या? ऐसा देखा है ना, लिखा है। तो काय, लेट अस डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय एज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये डिफाइन क्यों करना पड़ा? एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा रीजन है राइट। हम पार्टी में जाते हैं जब, टीटीएमएम करके, पता है टीटीएमएम? तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास, है ना? चलो जाते हैं घूमने, खर्चा कौन करेगा? तो थोड़ा सा फनी वे में ये टीटीएमएम टाइप है, ये बता रहा है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो काय इज द रेशियो ऑफ एमजेड, मतलब मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये रेशियो हमको बताता है कि जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन जो आया एक्सिस पे, उसमें एमजेड मतलब मटेरियल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि याद रखना, पिछले चैप्टर में हमने फॉर्मर मतलब कोर मैग्नेटिक हो सकता है ये सोचा ही नहीं था। तो पिछले चैप्टर में जब तुमने म्यू जीरो एन आई डिराइव किया था, तो एक्सिस पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक इंडक्शन प्योरली ड्यू टू करंट था। लेकिन यहाँ पे अभी मैग्नेटिक इंडक्शन दो रीजन से आ रहा है, टू सोर्सेज, वन इज करंट एंड वाइल द अदर इज ड्यू टू मटेरियल इटसेल्फ। तो ससेप्टेबिलिटी टेल्स यू दैट हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, है ना राइट?
बराबर, अगर इक्वल टू वन आ गया, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, हाफ एंड हाफ, 50-50%। तो ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। तो यहां से तुमको मिल जाएगा MZ इक्वल टू काई एच, और ये तुम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट विल बी बी, व्हाट इज बी, म्यू जीरो एच प्लस काई एच। तो यहां से तुम एच को निकाल लो कॉमन, 1 प्लस काई, ये जो 1 प्लस काई है इसको तुम बोलते हो रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या बोलते हो? रिलेटिव परमियाबिलिटी लिखा है ना, म्यू आर इक्वल टू लिखा होगा यहीं, लिखा है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। तो वेयर वेयर 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर, रिलेटिव परमियाबिलिटी। और ये एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, सॉरी, ये परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू म्यू आर, इसको तुम बोलते हो म्यू एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। तो बी इक्वल टू म्यू एच, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग, क्योंकि कहीं कहीं पे ना गलत लिख दिया है, तो दैट इज फाइन, और करेक्ट नोट्स में भी करेक्ट है। तो दिस म्यू इज म्यू जीरो इंटू म्यू आर, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर इज रिलेटिव परमियाबिलिटी, एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर इज 1 प्लस काई, एंड काई इज ससेप्टेबिलिटी विच इज द रेशियो ऑफ MZ अपॉन H, मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, एंड मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट म्यू जीरो इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो MZ क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और का एच क्या था? एन इंटू आई। याद रहेगा यहां तक? पक्का पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार और रिपीट करूंगा, एंड देन वी विल गो अहेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।